यो ब्रोस, आई जस्ट होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो ब्रोस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हम सब फेस करते हैं। R15 का यूज़र मतलब ये कभी ना कभी फेस किया ही होगा, और ये प्रॉब्लम है ऑरेंज लाइट का। सो ऑरेंज लाइट बेसिकली जब आता है उसके कई सारे प्रॉब्लम, मतलब कई सारे रीजंस होते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले कि ऑरेंज लाइट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। सो जो मेन वाला, जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट वाला होता है, वो होता है एरर कोड 50, जो रिलेटेड होता है ECU से, जो कि रेयरली कभी उसमें प्रॉब्लम आता है। और नेक्स्ट जो कॉमन वाले होते हैं वो होता है एरर कोड 42 और होता है एरर कोड 46। सो एरर कोड 42 बड़ा ही सिंपल सा है। जब तुम्हारा स्पीडोमीटर सेंसर या तो रिमूव हो जाए, वायर कट जाए, या फिर कैसे भी एक मेल फंक्शन हो जाए उसमें, तो वही होता है एरर कोड 42, जो कि सिंपल सा है, स्पीडोमीटर सेंसर चेंज करो जैसा हमने किया था प्रीवियसली और ये फिक्स हो गया। सो नाउ कम्स द मोस्ट अवेटेड एरर कोड 46। सो एरर कोड 46 में होता ये है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू चार्जिंग। ये बात समझ जाओ, ये थोड़ा सा बहुत ही सिंपल सा चीज़ है लेकिन कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। हमें लगता है कि क्या क्या हो रहा है, तो इससे क्या होता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है, मिसिंग होता है। गाड़ी चला रहे हो, सडनली वो कनेक्ट, डिसकनेक्ट, रिकनेक्ट ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो हमें लगता है कि क्या गड़बड़ हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया। सो ये जो होता है ये रिलेटेड होता है RR यूनिट से स्पेसिफिकली। RR यूनिट क्या होता है, रेगुलेटर एंड रेक्टिफायर यूनिट। सो जो मेन प्रॉब्लम होता है वो होता है रेक्टिफायर से। तो सभी पूछते हैं RR दो होता है, कौन सा चेंज करेंगे भाई, दो होता है ना, एक होता है V2 में स्पीडोमीटर के नीचे फ्रंट हेडलाइट के अंदर, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया सीट के नीचे। सीट के नीचे जो है वो प्रॉब्ली रेगुलेटर है, और ये रेक्टिफायर है जो कि खराब होता है। रेक्टिफायर डील्स विथ चार्जिंग द बैटरी, करंट आता है, वोल्टेज को रेगुलेट करके बैटरी चार्ज होता है। अगर ये खराब हो जाए तो दो चीज़ें हो सकती, दो टाइप का खराब होता है, एक होता है कि बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, और एक होता है कि ओवर चार्ज हो रही है। ओवर चार्ज में भी ये प्रॉब्लम होता है, माइंड इट, ठीक है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो ओवर चार्ज भी कर देता है बैटरी को, बैटरी की वोल्टेज बहुत हाई दिखाती है, 16-17 दिखाती है, जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो तुम्हें लगेगा कि यार चार्ज तो हो रही है, आ रहा है, फिर भी क्यों। सो ये इसके वजह से होता है। सो अभी हम आएंगे कि बैटरी चार्ज नहीं कर पाती है। सो बैटरी चार्ज नहीं कर पाने के कारण ये लाइट दिखाती है, और जबकि ये रिलेटेड होता है ओनली विद द चार्जिंग। सो बैटरी कभी अगर ठीक से कनेक्टेड नहीं होती है, जो बैटरी का टर्मिनल एक अगर लूज़ होगा, तो उससे भी ये आती है। सो मेक श्योर पहले अगर ये आए तो फर्स्ट चेक करना कि बैटरी ठीक हो, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी में चार्ज है, सब कुछ ठीक हो गया, नेक्स्ट गो टू द रेक्टिफायर। और अगर तुम चलाते चलाते स्टॉलिंग का प्रॉब्लम होता है, मतलब गाड़ी ऐसे रुक रुक के चलती है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सीधा RR यूनिट में जंप मारो। कुछ भी अगर नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, लाइट नहीं आ रहा, तो तुम ना पहले फ्यूल पंप का जो फिल्टर होता है वो चेक कर लो, उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, उसको हर 2-3 साल में एक बार निकाल के क्लीन कर दो। मेरा बहुत दिन हो गया क्लीन नहीं हुआ है, तो उसको एक बार क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक बार उसको क्लीन कर देना। एंड नेक्स्ट हो गया कि ये कैसे ख़राब होता है, ख़राब होता है, ख़राब होने का बहुत कारण है, तुम सस्ते लाइट्स लगवाते हो, एडिशनल मॉड्स करते हो, जिसके वजह से वो पावर ज़्यादा खींचता है, ECU रीड नहीं कर पाता है, मे बी, मतलब जो भी है, ये बेसिकली है कि तुम अगर एडिशनल लाइट वगैरह लगाते हो जो कि जो जितना सप्लाई करना चाहिए, हमारा मैक्सिमम है बल्ब के लिए 70, ठीक है, हेडलाइट का जो वो है 70 वॉट, वो भी 4000 RPM के ऊपर। तो तुम जब हाई बीम भी करोगे ना, वो कभी कभार होना चाहिए, ना कि हमेशा। इससे एक लेसन मिलता है कि तुम्हें लो बीम में गाड़ी चलाना चाहिए, ठीक है। तो 70 वॉट, तो तुम जब दो लाइट लगा रहे हो, ठीक है, लेट्स से अभी जो ऑक्स लैंप्स आ रही है 36-36 वॉट की ईच, तो 72 वॉट हो गया। 72 वॉट अगर तुम जला रहे हो तो मेक श्योर कि हेडलाइट्स ऑफ रहे, और वो तब भी यूज़ करना जब एकदम से हाईवे में जा रहे हो, एक अंधेरी वो में जा रहे हो रोड में, और जब सामने वाला हाई बीम मार रहा है। जब मैं शिरडी जा रहा था, महाराष्ट्र में जंगल वाला रोड आ जाता है और ट्रक्स हाई बीम मारते रहते हैं, यार सीरियसली रोड दिखेगा नहीं, ऐसे लगेगा तुम पूरा ऊपर वाले के भरोसे ही चला रहे हो। सडनली चलाते चलाते एक गड्ढा आ गया, या फिर एक खराब रोड, पत्थर, कुछ भी आ गया ना,
गेम हो सकता है। तो मैं बहुत धीरे धीरे चला रहा था, और सोचो मेरा R15 का हेडलैम्प के भरोसे मैं चला रहा था यार, मतलब समझ रहे हो। तो उसके बाद मैंने उसके 3 मंथ्स बाद फिर एक टूर किया था, लाइक 350-400 किलोमीटर्स अवे, और तब मैंने ऑक्स क्लैंप्स लगा दिया था भाई, मैजिक हो गया था, बहुत ही सही काम करा था। ठीक है, तो जब भी तुम मॉड्स करो ये इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो वो है एकदम से चीप वाले ना हो, HID वगैरह मत लगाना, ऑक्स लैम्प्स LED लैम्प्स जो मिलते हैं वो काफ़ी ठीक ठाक से होते हैं, और उनका वोल्टेज, उनका जो वॉट होता है 70 वॉट के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि तुम हेडलाइट्स ऑफ करके चला रहे हो। तो हेडलाइट्स ऑफ करो तो यहाँ का 70 वाट अगर काटो तो वहाँ पे 72 वाट वो कर रहे हो, तो एक एक वॉट का जो वो भी होता है ना पार्किंग लैम्प्स, मैंने उसको भी ऑफ कर दिया था। अब क्या हो गया ना, मेरे को एग्जैक्टली 72 काट रहा, मतलब 72 का वो करा था, और यहाँ पे 72 वॉट ही हो रहा था, तो उस वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले 3 साल पहले मेरे गाड़ी में, 3 नहीं 4 साल पहले मेरे गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई थी RR यूनिट का, वो था एरर कोड 46, जो कि पहली बार आया था। और अब तो इसके बारे में काफ़ी सारा नॉलेज मिल गया है लोगों से पता करके, मैकेनिक से पूछ के, और जब खुद फेस करो ना तब बेटर समझ में आता है। तो ब्रोस यही हो गया बेसिकली एरर 46 का और ऑरेंज लाइट आने का। सो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं कभी एक जल्दी बनाऊंगा, ओवर हीटिंग क्यों होता है और ओवर हीटिंग के रीजंस, और वो रेड वाला लाइट, नॉट ऑरेंज, वो रेड वाला लाइट क्यों जलता है। सो ये हो गया Day 6 ब्रोस। Day 6 भी मुझे लगता है ठीक ठाक हो गया, और कल का जो वीडियो आने वाला है प्रोबेबली थोड़ा सा स्पेशल होगा, क्योंकि प्रोबेबली, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, कल अगर मैं नहीं कराया तो नेक्स्ट जब कराऊंगा तब पोस्ट करूंगा। वो हो गया वाल्व सेटिंग, मेरे गाड़ी में वाल्व खराब होने के कारण RPM फ्लक्चुएट हो रहा है, गाड़ी बंद हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है मैं बताऊंगा, और वो कैसे सेट होता है, कैसे फिक्स होता है, क्या किया जाता है। ठीक है, तो वो हम कराएंगे मैकेनिक के पास, ऑब्वियसली लेके जाएंगे। ऑलराइट ब्रो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम।